सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीरों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील का नाम बड़े सम्मान एवं आदर के साथ लिया जाता है। जनजातीय समाज के इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भारत का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। दिलचस्प पहलू यह है कि टंट्या भील की वीरता, साहस और अप्रतिम स्वतंत्रता भाव से संकट में आए अंग्रेजी शासन के नुमाइंदों ने ही जन नायक टंट्या भील को भारतीय रॉबिनहुड की उपाधि दी थी। टंट्या भील कौन थे? टंट्या भील का जन्म सन 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ की पंधाना तहसील के गांव में श्री भाव सिंह भील के घर में हुआ था। कहीं कहीं पर सन 1842 में इनके जन्म का उल्लेख भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि टंट्या के पिता ने बचपन में ही नवगजा पीर की दहलीज पर अपनी पत्नी की कसम लेकर कहा था कि उनका बेटा भील जाति की बहन, बेटियों और बहुओं के अपमान का बदला अवश्य लेगा। नवगजा पीर मुसलमानों के साथ साथ भीलों के भी देवता थे। टंट्या भील का वास्तविक नाम तात्या था। उन्हें प्यार से टंट्या मामा के नाम से भी बुलाया जाता था। उन्हें सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा आदर पूर्वक मामा कहा जाता था। उनका मामा नाम का यह संबोधन इतना लोकप्रिय हुआ कि भील जनजाति के लोग आज भी उन्हें मामा कहने पर गर्व महसूस करते हैं। टंट्या भील बचपन से ही साहसी एवं होशियार थे। वह एक महान निशानेबाज और पारंपरिक तीरंदाजी में दक्ष होने के साथ ही गुरिल्ला युद्ध में अत्यंत निपुण थे। उनको बंदूक चलाना भी आता था। टंट्या भील अदम्य साहस, असाधारण चपलता, अद्भुत कौशल के धनी माने जाते थे। सन 1856 के समय तक संपूर्ण भारत सहित मध्य प्रदेश, विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़ तथा मालवा क्षेत्र अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त हो चुका था। मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने से वे आए दिन नागरिकों पर अत्याचार और जुल्म ढाने लगे और संपूर्ण जनजातीय समाज, विशेषकर भील भिलाला लोगों पर अत्यधिक दमनपूर्ण प्रताड़ित करने लगे। ऐसे समय में ही निमाड़ क्षेत्र में एक महान भील योद्धा, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जननायक टंट्या भील का उदय हुआ। टंट्या ने बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों के आतंक का सामना किया तथा अपने वीरतापूर्वक कारनामों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर भील भिलाला एवं क्षेत्रीय लोगों के मसीहा बन गए। मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के गौरव एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील की वीरता की कहानी को स्थानीय लोगों ने अपनी बोली में गीतों से भी पिरोया है। टंट्या भील को कुछ विश्वस्त लोगों के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें सख्त पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया, जहां उन्हें भारी जंजीरों से जकड़कर जबलपुर जेल में रखा गया। सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुनाई और फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। फांसी के पश्चात इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के नजदीक आसपास के गांवों में विद्रोह भड़कने के डर से चुपचाप रात में उनके शव को उस स्थान जहां पर उनके लकड़ी के पुतले रखे थे फेंक कर चले आए। इस स्थान पर अर्थात पातालपानी को ही आज टंट्या भील की समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। आज भी सभी ट्रेन चालक टंट्या मामा के सम्मान में ट्रेन को एक पल के लिए रोक देते हैं। इस तरह टंट्या मामा अपने देश निमाड़ और मालवा क्षेत्र के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना बलिदान कर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।